जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मन चाहा साथी कैसे पाएं। यदि आपको एक तरफा भी प्यार है और आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, प्यार आपका एक तरफा है, तो ये काम करेगा। और यदि आपको जो है अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप उसको बोल भी चुके हैं कि मैं आपको प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट वो आपको ना हाँ और कल और परसों की जैसी बात करता है, तो उसको लिए क्या करना है वो मैं मन चाहे साथी को पाने के उपाय बताऊंगी। लेकिन सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र उनको प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे गणेश जी का, क्योंकि मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ। देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा कि शादी का कार्ड हो, चाहे किसी को बुलाना हो, बिना गणेश जी के कुछ भी नहीं होता है। किसी का बर्थडे हो, मुंडन हो, और कोई भी अच्छा काम हो, उसमें भी गणेश जी का नाम होता है। यहाँ तक कि अगर जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं ना, जैसे मारण मुरण का काम करते हैं या फिर किसी का बुरा भी चाहते हैं, तो भी जब तक भगवान गणेश की पूजा ना हो, कार्य तो कोई भी सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए पकड़ के बैठो, गणेश जी के पास बुद्धि के देवता हैं। और सबसे अच्छी बात है, जिनके ऊपर गणेश जी का हाथ हो जाता है, वो ना तो कभी कुछ गलत करते हैं, ना गलत सोचते हैं, ना कभी गलत उनके साथ होता है। तो आज मैं आपको भगवान गणेश के नियमित ही आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, वो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है, जिसमें आप अपने मन चाहे साथी को हासिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले तो सबसे पहले पूजा राणा की FCI में जॉब लग जाए और उनकी मनपसंद लड़के से शादी हो जाए। और एक है, ये चाहती हैं कि भूपेंद्र सिंह गंगोला और नीरज मिश्रा की शादी हो जाए। और एक आया है कि अर्चना पांडे के पति सौरभ द्विवेदी की जॉब अच्छी जगह लग जाए। तो इन तीनों की ही मनोकामना को भगवान श्री गणपति आज पूरी करे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो हे श्री गणपति महाराज, आपसे प्रार्थना है कि इन तीनों की ही मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब मैं प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स में किसी के लिए भी, तो आप लोग भी अपने लिए प्रार्थना कर लिया करो, ऐसा मैं आपसे कह रही हूँ। तो ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। हे भगवान श्री गणपतिनाथ, इन तीनों लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। इनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। इन तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपको अगर कुंडली दिखानी हो, हाथ रीडिंग करानी हो, आपको मुफ्त में कामाख्या माँ का लॉकेट चाहिए हो, तो 8812647699 पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कामाख्या माँ का लॉकेट आपको कैसे मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी को पसंद करते हैं, आपका कोई मनचाहा साथी है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, आप चाहे लड़के हो, लड़की हो, या आप कोई भी हो, तो आप उसको कैसे हासिल करेंगे, आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, यह प्रयोग आपको 7 बृहस्पतिवार करना होगा। 7 बृहस्पतिवार तक आप लगातार इस प्रयोग को करेंगे। और आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको बेसन को गूंदना है, बेसन को अच्छी तरह से गूंदेंगे और उसकी आपको छोटी छोटी 7 रोटियां बनानी है, यानी कि 7 छोटी छोटी बेसन की आप रोटियां बनाएंगी और उस रोटी पे आप बनाएंगे या बनाएंगी, जो भी आप हैं जेंडर के हिसाब से। फिर आपको उस पर गुड़ की डली रखनी है। आप छोटी छोटी रोटी भी बना सकते हो, इतनी बना लो, इतनी बना लो, इतनी बना लो, आपकी मर्जी है, जितनी बना लो। तो बेसन की रोटी बनानी है, उस पर आपको थोड़ा थोड़ा गुड़ की डली रखनी है, ऐसे आपको 7 रोटी बनानी है। और उसके बाद आपको भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं कि मैं अमुक, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ और मैं चाहता हूँ कि अमुक व्यक्ति जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, वो भी मुझे उतना लाइक करे, मुझे पसंद करे, हमेशा मेरे साथ जोड़े में रहे। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। और उसके बाद इस भाव से कि वो इंसान आपको मिलेगा और मिल चुका है, आपको वो 7ों रोटियां गैया को खिलानी है। ये 7 बृहस्पतिवार आप उपाय कीजिए। आपको कुछ दिनों में इसका चमत्कार दिखेगा। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, वो आपके साथ हो लेगा। मन चाहा प्यार, एक तरफा प्यार पाने का ये सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है। और अगर आप इसमें आप थोड़ा सा और चाहते हैं, तो क्लीम कृष्ण क्लीम नमः का जाप करिएगा साथ साथ में, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट आएगा 7 बृहस्पतिवार तक। अगर आपकी कामना 1-2 बृहस्पति में भी पूरी हो जाए, तो भी इसको 7 बृहस्पतिवार तक पूरा करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? यानी कि आप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, ओके? प्रयोग पूरा कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।